नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। खबर हम आपको बता देना चाहते हैं, बच्चे आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें, इसके लिए सरकार बड़ी राशि खर्च कर रही है। बच्चों के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्कूलों का हाल ये है कि मास्टरों की तनख्वाहें तो बराबर निकल रही है, लेकिन वे बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ही एक मामला खंडवा जिले के खालवा विकास खंड के जामनिया सरसरी का सामने आया है, जहाँ पर गाँव के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास लगातार गांव के लोगों की तरफ से शिकायतें आ रही थी कि उनके गांव में जो स्कूल है वहां पर मास्टर पढ़ाने के लिए नहीं आ रहे। तो इसी संबंध में गांव के सरपंच, उप सरपंच और गांव के अन्य गणमान्य जनों की तरफ से स्कूल में जाकर एक पंचनामा बनाया गया, और वो पंचनामा लेकर आज गाँव के लोग खंडवा के आदिम जाति कल्याण आयुक्त कार्यालय में पहुँचे हैं, और यहाँ पर आकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। और उनका ये कहना है कि इस तरह से जो अव्यवस्था चल रही है इसके ऊपर रोक लगाई जाए, और स्कूल से छुट्टी मारने वाले और बगैर काम किए तनख्वाह लेने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। तो क्या है पूरा मामला, हम ग्रामीणों से बात करेंगे। जामनिया सरसरी गांव की जो महिला सरपंच है वे स्वयं यहां पर पहुंची हैं पंचनामा लेकर, तो हम उनसे बात करेंगे। तो खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जनता से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। क्या नाम है आपका? फूलवती जी। आप कौन से गांव की सरपंच हैं? जामनिया सरसरी। क्या समस्या है आपके गांव में स्कूल संबंधी, जिसको लेकर आप यहां खड़वा आए हैं? स्कूल गए थे हम जांच करने के लिए जी, तो वहां की जगह मैडम सर कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, तो वो स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 250। 250? हाँ। तो मास्टर कितने हैं? 4। और आते कितने? एक मैडम आती है। केवल एक मैडम? हाँ। तो ये जैसे मास्टर नहीं आते तो क्या बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है? हाँ। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर जो जामनिया सरसरी गांव की सरपंच है उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। उनका क्या कहना? भैया क्या नाम है आपका? दौलत पवार जी। दौलत भैया क्या कहेंगे आप? ये जैसा बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हाँ? ये आदिवासी क्षेत्र है, हाँ? आदिवासी ब्लॉक है, हाँ? और आदिवासी बच्चों का भविष्य खराब होना, हाँ? तो ये बड़ी सोचने की बात है, हाँ? कि जब सरपंच के द्वारा अनुमति से हम 10-5 लोग सरपंच को लेकर, हम सब ग्रामीण लेकर वहाँ निरीक्षण करने गए स्कूल में 25 तारीख को, हाँ। 25 तारीख को मौके पर 4 मास्टर में से एक मास्टर मौके पे मिला, हाँ। और 3 मास्टर नहीं आए और 2 अतिथि मिले, हाँ। इसके बाद में हमने फिर बच्चों से पूछताछ किया, हाँ। तो बच्चों से पूछताछ करने पर यह बताया गया कि अभी तक अंग्रेजी की किताब नहीं खुली। अच्छा। अभी गणित का विषय जो अपने जो पढ़ाते हैं मास्टर, जो क्या नाम है जयसिंह चौहान जी, ये एक मतलब अभी परीक्षा होकर किताब अभी तक खोली नहीं, तो बच्चों का भविष्य कितना खराब हुआ, क्या पेपर में लिखे होंगे, ये बड़ी एक सोचना है। कितनी बड़ी बात है कि परीक्षा हो गई और अभी तक वो उसका विषय का परेड ही नहीं लगा, हाँ। जैसे ये मास्टर हो, जैसे महीने भर में एक दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं। आपके बच्चों से जैसे बात हुई तो उनका क्या कहना पड़ रहा है? ये हमने उनसे ईमानदारी पूछा कि कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, हाँ। ये आपके भविष्य के बारे में हम आप जानकारी ले रहे हैं, हाँ। तो उन्होंने स्पष्टीकरण बताया कि यहाँ पर एक मास्टर आज आया है और एक मैडम कभी आती नहीं आती, रिंकू करके है, और एक जयसिंह चौहान महीने भर में 1-2 रोज आता है। और जिसके बाद में हम भी मौके पे देखे तो एक मास्टर मिला, और जैसे ही बच्चों से पूछे तो परीक्षा हो गई, हाँ। और ये अभी तक हमारा किताब ही नहीं खुली गणित अंग्रेजी विषय का, हाँ। तो ये सब मेरे आदिवासी क्षेत्र में जो मेरा बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हाँ। तो इस सहन शक्ति को नहीं सहते हुए, हाँ। सरपंच महिला को साथ में लाते हुए, ग्रामीण को साथ में लाते हुए, हाँ। और आयुक्त सहायक आयुक्त केंद्र आकर ऐसी साहब के साथ हम पंचनामा बनाए वही स्कूल में और यहाँ पर देने आए हैं। तो महोदय जी से निवेदन है ऐसी साहब से कि ऐसी जो अभी ये जो ये चल रहा है घपड़ा लफड़ा कि भाई शासन वेतन पूरा दे रही है और पढ़ाने को एक नहीं आ रहे, तो ये बच्चों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए इनका वेतन काटा जाए, अन्यथा इनका यहाँ से पद स्थित करके दूसरे जगह भेजा जाए, तो और दूसरा हमारे यहाँ पर मास्टर भेजा जाए। और रहा सवाल, अपन कभी डेली तो नहीं जाते भाई, जैसे ही समस्या मिलती बच्चों द्वारा ऐसे ही वहाँ जाँच करने गए थे, तो वास्तविक हमको जो जाँच करने पर जो मिला हम उसके सही बोल रहे हैं कि 4 शासकीय मास्टर है वहाँ पर और 2 अतिथि है, और मौके पर 2 अतिथि मिले और एक मास्टर मिला, ठीक है। और भी लोग मौजूद हैं, उप सरपंच मौजूद है, क्या नाम है भैया आपका? जी कैलाश चौहान जी। जी कैलाश भैया क्या कहेंगे आप? हम ये चाह रहे हैं कि हम भी स्कूल में गए थे, हाँ। तो हमारे साथ कम से कम 10-12 लोग थे, तो ग्रामीण के लोग भी साथ में थे, तो हमने बच्चों से पूछा कि भैया मास्टर होने आते कि नहीं यहाँ पर, तो उनने बच्चों ने बोले डायरेक्ट बोल दिया कि यहाँ पर मास्टर तो एक भी नहीं आते हैं, कभी जब महीने में 1-2 बार आ जाते हैं, और पढ़े बढ़े तो कहीं हो नहीं रही है, अतिथि लोग पढ़ाते हैं खाली और अतिथि सेवा दे रहे हैं, और हमने भी अन्य बार कई बार गए
पर हमको मास्टर मौकित नहीं मिल पाए जी। बस ठीक है, तो अपन क्या चाहते हैं? हमारा मतलब यही है कि मास्टर उनको शिक्षा दी जाए, इनको समझाइश दी जाए, या तो इनको नहीं, इनको हमारे गांव से हटाया जाए। मतलब हमारा तो उद्देश्य है कि वो मास्टर होने ही नहीं, क्योंकि ये 2 साल से हम देख रहे हैं पर अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? जी सर, मेरा नाम श्याम पवार। श्याम भैया, क्या कहेंगे आप? मोदी जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जो शिक्षक लोग हैं, ये हमेशा महीने में गैप रहते हैं और जब भी आते हैं तो ये पूरे महीने की एंट्री कर जाते हैं, उनकी हाजिरी लगा के चले रजिस्टर में, और तनख्वाह निकाल लेते हैं, तनख्वाह पूरी निकालते हैं। और हमने बच्चों से जब तक पूछा तो उन्होंने यही कहा कि ये महीने में शायद 1-2 बार आते हैं, 2 से 4 बार, और पूरे महीने की इनकी हाजिरी लग जाती है। और उनका भी हमारे पास प्रूफ है, हमने वीडियो फोटो सब करके लाए हैं। बाकी अब देखो अधिकारी के ऊपर है क्या करना चाहते हैं, लेकिन हमारा सबका यही कहना है कि ऐसे शिक्षकों को मतलब इन पे कार्रवाई की जाए, तो इनको तत्काल कुछ ना कुछ इनका किया जाए, नहीं तो बच्चे क्या है, इनका भविष्य खराब हो रहा है। ठीक है, ठीक है। हमारे इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।